इंडिया जीत गई। क्या हुआ आज इंडिया में? अच्छा, इंडिया मैच जीत गया। राइट। इंडिया मैच जीत गया है तो भाई तुम लोग अपना ये फटाके बटाके फोड़ो, डीजे बीजे चलाओ। इंडिया जीत गई भाई तो फटाके बटाके फोड़ो, डीजे बीजे चलाओ, पार्टी वार्टी करो। भाई मैंने तो क्रिकेट को पिछले 12-13 सालों से मैं फॉलो नहीं कर रहा हूं, तो मुझे पता ही नहीं है अभी इंडिया का इंटरनेशनल क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है, कौन प्लेयर अच्छा है, कौन प्लेयर बूढ़ा है। तो अभी मैं क्रिकेट को फॉलो नहीं कर रहा हूं, तो मुझे किसी भी टीम का कुछ पता मत है। यार मैं इसलिए अभी लाइव पे आया कि आज इंडिया में दिवाली है, तो तुम जितने भी मेरे मुरीद है, जितने भी तुम भक्त ये लाइव पे तुम लोग आए हो, तुम सब लोगों को क्या है आज इंडिया? अच्छा, तो तुम सब लोगों को मैं बोलना चाहता हूं कि हैप्पी हैप्पी नाग पंचमी, क्योंकि तुम लोग साले जहरीले सांप हो। तुम लोग तुम ऐसे नाग हो कि दिवाली नहीं, तुम लोगों के लिए नाग पंचमी होनी चाहिए रोज, एवरी डे, क्योंकि तुम लोग तुम्हारी जिंदगी में हर रोज किसी ना किसी को डसते रहते हो। तुम लोग हर रोज किसी ना किसी को अपने मतलब के लिए, अपने काम कुछ निकलवाने के लिए तुम लोग हर रोज नाग की तरह निकलते हो अपने घर से, और साले हरामी लोग जिसका दूध पीते हो उसको ही तुम डस लेते हो। तो तुम सब लोगों को मैं बोलना चाहता हूं कि हैप्पी नाग पंचमी। तुम्हारे लिए ना तो दिवाली है, ना तो तुम्हारे लिए क्रिसमस है, ना तो तुम्हारे लिए होली है। तुम्हारे लिए एक ही हॉलीडे है जिसका नाम है नाग पंचमी, क्योंकि तुम साले आस्तीन के सांप हो। सब लोग साले आस्तीन के हरामी सांप हो तुम। साले तुम अपने माँ बाप को डस लेते हो, जो माँ बाप तुम्हें पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, उन बूढ़े बुजुर्ग माँ बापों को तुम साले वहाँ ओल्ड हाउस में छोड़ देते हो। जब उनको तुम्हारी ज़रूरत होती है, तुम लोग साले अपने माँ बाप के नहीं होते तो क्या तुम किसी के होगे? अरे क्या दिवाली, क्या दिवाला। तुम सबको सबके लिए मैं एक ही प्रार्थना करूँगा कि हैप्पी नाग पंचमी।
और अरे नागपंचमी भी तुम्हारे लिए तो छोटा वर्ड है, तुम्हारे लिए तो कुत्ते लोग एनाकोंडा होना चाहिए। तुम सब आस्तीन के एनाकोंडा हो, सब साले तुम गिरे हुए हो। हैप्पी दिवाली पनौनी भैया। अरे कौन सी दिवाली, यहाँ पे पूरा दिवाला निकल चुका है मेरा। हैप्पी दिवाली करवा लो इनसे साले। अभी 2 दिन हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली, और 2 दिन बाद जिसको हैप्पी दिवाली बोली है उनको ये माधव जो डसेंगे उनको ही जाके डसेंगे ये लोग तो तुम लोगों के लिए ये हैप्पी दिवाली नहीं है, तुम लोगों के लिए नागपंचमी होनी चाहिए साले। हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली। साले नागपंचमी तो नागपंचमी आए ना भाई, उस दिन हो सके तो अपने अंदर का जहर निकाल फेंको। वहां पे वो मोदी जी बेचारा अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें कह 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 रहे हो, वो मोदी जी बेचारा बूढ़ा हो रहा है दिन बा दिन। वो बंदा यार बोलता रहता है कि भाई जब करेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अरे लेकिन पहले जहर तो निकालो अपने अंदर से, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। साले जो लोग आगे बढ़ते हैं उनके तो तुम पैर पकड़ के नीचे गिराने की कोशिश में लगते हो, कहाँ से बढ़ेगा इंडिया। तो भाई तुम सब लोगों को हैप्पी नागपंचमी। इस नागपंचमी के शुभ अवसर पर मैं चाहता हूं कि तुम सब लोग इंस्टाग्राम का सबसे बड़ा नाग ये है, 250 किलो है अरे, मेरी बकचोदियों में सच्चाई होती है समझे, मेरी हर एक बकचोदी में सच्चाई ठूंस ठूंस के भरी पड़ी होती है। साले तुम लोगों की तरह मैं नहीं हूं नागपंचमी, मैंने आज तक किसी को नहीं डसा है, लोगों ने मुझे डसा, लोगों ने मुझे डस डस के मेरी पूरी बॉडी में इतना जहर फैला दिया है कि आज मैं खुद एक जहरीला नाग देवता बन चुका हूं। तुम साले लोगों ने मुझे डस डस के एक जहरीला एक बड़ा नाग बना दिया है। साले तुम इतने हरामी लोग हो कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम वही लाते खाओगे और लोगों के डसते फिरोगे तुम लोग। साले निकल पड़े। हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली। अरे लौड़े की दिवाली। साले जिसको तुम हैप्पी दिवाली बोलते हो उसी को ही तुम लोगों ने डसने का प्लान बना के रखा हुआ होता है। तुम साले हैप्पी न्यू ईयर बोलते हो, उस बंदे का ही तुम पूरा ईयर खराब करने की साजिश में लगे हुए होते हो। तो कौन सा हैप्पी न्यू ईयर,
साले हैप्पी दिवाली, बंद करो ये ड्रामा बहन के लड़ो, हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली। साले हैप्पी नागपंचमी लिखा करो, इसको बहुत मजे लेने आ जा भाई। हेलो, हेलो। हाँ क्या पूछ रही हो तुम? पता नहीं क्या पूछ रही थी। नहीं तुमने कुछ अभी क्वेश्चन पूछा ना, तेरे पीछे से आवाज क्यों आ रही है? नहीं ये तो मैंने नहीं पूछा। अरे मैं पूछ रहा हूँ तेरे पीछे से इतनी आवाज क्यों आ रही है? अच्छा टीवी चल रहा है। बोलिए। क्या टीवी चल रही थी तो उसको बंद कर दे। बोलो। हो गया दरवाजा। अच्छा तो तुम्हारी ये दिवाली की तैयारियां कैसी चल रही है? बढ़िया। अच्छा 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 तो तुमने आज तक कितने लोगों को डसा है? मैं लड़की हूँ ना, आपने तो नाग बोला, नाग लड़के होते हैं, अरे नाग लड़का होता है शायद। अरे नाग मतलब अरे नाग और नागिन, यहाँ पे नाग और नागिन की सी और हर की, यहाँ पे ही सी हर की, यहाँ पे डेफिनेशन मत बता। ये बता के कितने लोगों की जिंदगी में तूने आग लगाई है वो बता। नहीं मैंने किसी की उससे आग नहीं लगाई है, मैं तो अपना चुपचाप रहती हूँ, लाइट देखती हूँ आपकी, बस टाइम पास अच्छा। होता है। हाँ जी हेलो हेलो। हेलो आवाज ही नहीं आ रही अपनी दुश्मन के लिए। अच्छी बात है। हेलो। अरे रुक जा, यो देखो कितना, कम ऑन, देखो भाई ये मैं नागिन, मैं नाग नहीं हूँ। देखो साले तुम नाग लोग, तुम्हारे से एनिमल्स भी डरते हैं। देखो ये, इसका नाम मैंने रखा है चीची। हेलो आवाज भी नहीं आ रही है, मेरी भी नहीं आ रही है क्या? किसी को लगता है कुत्ता ने सुसु कर दिया। लोग कमेंट कर रहे, मैं नहीं बोल रही। मेरी आवाज से नहीं आ रही है, इनकी तो आ नहीं रही।
यूट्यूब पे आ जाएगी तेरी यह वीडियो, पहले ही यूट्यूब पे जा चुका है फेस वाला, इसलिए मैंने कैमरा ऑफ करी है। मेरी आवाज आ रही है, इनकी नहीं आ रही ना। मैं ये देखना चाहता था कि मैं कब से बोल नहीं रहा हूँ, फिर भी तू यहाँ पे बैठी हुई है। तुझे शर्म नहीं आती? हाँ तेरे पास इतना फालतू का टाइम है? अच्छा, फालतू के टाइम में तभी तो बैठे हैं ना, तभी तो आपको फॉलो करते हैं, तभी तो हम इतनी वेल्ले हैं इंडियंस कि आपकी लाइव देखते हैं। बताओ, तो तेरे पास जिंदगी में करने के लिए कुछ है नहीं? नहीं अच्छा, तो कितने पिछले कितने सालों से तू मुझे फॉलो कर रही है? 3 महीना हो गया, 2-3 महीना, हाँ? दो तीन महीना, दो अच्छा तीन तो महीने ही हुए। तुझे क्या क्या सीखने को मिला मेरे में से? अच्छा, गाली गालियां सीखने को मिली। हाँ जी, तो तुझे कोई अच्छी चीजें सीखने को नहीं मिली मेरे में से? कल सुना ना, कल की सबसे लाइव बढ़िया था, आप लोग गाना गा रहे थे, मतलब गाना सॉन्ग चल रहा था, लाइव में सॉन्ग चल रहा था, ये सबसे बढ़िया था। अच्छा, तो वो सॉन्ग तो क्या, उसमें क्या सीखने का मिला तुझे? कुछ भी नहीं मिला, बोले कहा वहां पे, बस आप लोग एंजॉय कर रहे थे, देख रहे थे, हंस रहे थे, और चलो भाई, मुझे एक फोन आ रहा है, तो साले कुत्ते लोग, तुम सब लोगों को हैप्पी नागपंचमी एंड हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, ये करना बंद करो। ये दिवाला बिवाला कुछ नहीं होता है, तुम लोगों के लिए एक ही चीज होती है। दिवाली होती थी भाई सतयुग में, जब वहां पे दिए ऑटोमेटिकली वहां पे लाइट अप होते थे। ये कोई दिवाला फिवाला नहीं है, तुम साले कुत्ते लोग। भगवान आज अपने इतने साले 14 साल के वनवास बाद प्रभु श्री रामचंद्र भगवान अपने घर पे लौटते हैं, और तुम साले हरामी लोग जुआ खेलते हो। तुम कुत्ते लोग, मादर चोद, तुम लोग फैन के लौड़ो न्यू ईयर के नाम पे पार्टियां चोदते रहते हो। साले तुम लोग फैन चोद ये नॉनवेज फूड खाते हो, तो तुम लोगों के लिए बहन के लौड़ो हैप्पी दिवाली नहीं है, तुम लोगों के लिए हैप्पी नागपंचमी है। मादर चोद साले कतई गंदे हरामी लोग, निकलो तुम्हारी माँ की चूत तुम्हारी। इतना गुस्सा आ रहा है बहन चोद मुझे, साले बहन चोद। सुबह सुबह में जाएंगे मंदिर, वो भी बहन के लौड़े अपने परिवार के कहने पे मंदिर जाएंगे ये टट्टे लोग, और वहां पे भी जाके बहन के लौड़े रील्स बनाएंगे, पिक्चर्स डालेंगे, और तुम्हारे माँ की चूत तुम्हारी। साला इतना दिखावा, इतना दिखावा। बहन चूत कुछ भी करो, बस डाल दो रील, कुछ भी करो स्टोरी डाल दो, कुछ भी करो स्टोरी डाल दो। बहन चूत साले कुत्ते हरामी लोग, निकलो तुम्हारी माँ का भोसड़ा तुम्हारी। साले हैप्पी नागपंचमी है तुम लोगों के लिए, समझे? दिवाली होती थी सतयुग में। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, तुम्हारे माँ की चूत हैप्पी दिवाली।